ये कहीं ट्रेनें जो कभी फुल नहीं होती है, यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो अंदर आते जाते हैं। फाइनली अंधेरी आ चुके हैं हम भाई। जुहू बीच पे पोपट हो गया, ये देखिए कांच गड़ गया। तो आप में से जो भी जुहू बीच पे आए तो बी केयरफुल। ये फोन मिल गया, कितने फोन चाहिए तुम्हें? बोलो दस, बोलो दस, दस किलो। गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आज हम मुंबई भ्रमण पर निकले हुए हैं, सो चलिए और विजिट कीजिए हमारे साथ मुंबई को। तो गाइस अभी हम लोग हैं 14 फ्लोर पर और लाइट जो है, लाइट नहीं है, शायद टेक्निकल इशू है कुछ और लिफ्ट जो है चल नहीं रही है, तो हो सकता है कि हमें सीढ़ियों पे नीचे जाना पड़े। ये बंद पड़ी हुई है लिफ्ट, तो हम सीढ़ियों पे जाएंगे। ये आवाज़ आ रही है, शायद कुछ काम चल रहा है। काफ़ी मस्त ये पूरा अपार्टमेंट है, सोसाइटी भी ये बढ़िया है, अभी तक तो बढ़िया लग रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा क्या यहाँ हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। ये पांच लोग घूमने जा रहे हैं, ये आंटी है, ये पूजा है, ये भाई है और एक और भाई है। सो हम पांच लोग हैं, ये भाई आधा सरदार ब्रो। हाँ भाई, लिफ्ट अगर नहीं चली तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। देखो भाई, अभी आज हमारा ये पहला दिन ही है और मैंने इनसे कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि अगर लाइट नहीं होती है या फिर लिफ्ट नहीं चलती है, लाइट तो है लेकिन लिफ्ट नहीं चल रही है, तो किस प्रकार से हम नीचे जाएंगे। तो इन्होंने मजाक ही मजाक में कैजुअली बोला था कि हम सीढ़ियों पर जाएंगे, लेकिन अब सीढ़ियों पर जाने की हमारी बारी आई तो हम लोगों को थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ रहा है। वेल बहरहाल जो भी है, अब हम निकलते हैं। भैया बाहरी कलाकार रहते हैं, देखो ये रिंग लाइट भी है, ये मतलब टाइम जब भी मिलता है शूट करते हैं यहाँ पर। ये भाई हो गई लिफ्ट चालू हो गई, चलो 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 जल्दी, चेयर ले जा रहा हूँ भाई। लिफ्ट चालू हो गई है यार, कहाँ गए कहाँ गए, मतलब अभी चेक इन चेकअप कर रहे हो, दूसरी वाली चालू है। चलो चलते चलो, सब लोग आ जाओ। अरे भाई हाँ, रूम लॉक करना तो भूल ही गया। ये भैया ये हमारा हाउस है फिलहाल, अपार्टमेंट ये अपना, यहीं ठहरे हुए हैं हम। बहुत ही सुंदर नजारा नजर आता है यहाँ से बाहर का। अरे भाई भाई मिलाया नहीं, ये भाई कौन है, क्या लॉक मारो फटाक से भाई। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि सीढ़ियों पे जाना है कि लिफ्ट पे जाना है, क्या सीढ़ियों पे जाना है। चलो उतरो भैया, 14 मंजिल पैदल उतरेंगे। और व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, लेट मी शो यू मोर थिंग इन मुंबई। भाई ब्लॉग शाम को देखोगे ना, बाद में भी देखोगे तुम, याद करोगे कि सूरज भाई आया था, इसने हमें घुमाया भी 6 साल बाद और ब्लॉग भी बनाया। हाँ वो आज हो जा रहा है, ये मुंबई लोकल का भी एक्सपीरियंस हम आज लेने वाले हैं। लिफ्ट चल गई और हम लोग सीढ़ियों से आए, टेक्निकल इशू बोल के हमें इधर पहुंचा दिया था। ये देखो कुर्सी लेके नीचे आ गए। ये मुंबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। अरे ऐसी, अरे कुछ बिल्डिंग तो मैं भी बनाऊंगा ऐसी। अब हम हमारी सोसाइटी से बाहर आ चुके हैं, ये रही हमारी सोसाइटी। अब यहाँ से हम लोग जो है मुंबई लोकल के लिए निकलेंगे ऑटो लेके। अभी 12 बज रहे हैं तो हम मुंबई की धूप का आनंद आज चखने वाले हैं। हम इसलिए इस टाइम जा रहे हैं ताकि हमें भीड़ भाड़ कम मिले, लेकिन भीड़ भाड़ कम मिलेगी तो उसका भी एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि हम लोगों को धूप में गर्मी में ट्रैवल करना होगा। चलते हैं,
भैया ऑटो ले लिया अब हमने यहाँ पे। अभी हम पहुंचने वाले हैं हमारा नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है लोकल ट्रेन का, उसमें ही ट्रैवल करेंगे हम। एक ख़ास इन्फॉर्मेशन ये है कि दोपहर के टाइम पर भीड़ जो है कंपैरेटिवली कम होती है, सो इसी का फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग हाँ दोपहर में निकले हैं। अब ज़्यादा भीड़ क्या होती है और कम क्या होती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत भीड़ को लेकर जो यूजुअली रहती है। तो हाँ हम आ चुके हैं स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म 4 पर हैं अभी और चर्च गेट के लिए निकल रहे हैं। क्या क्या मार दो भाई तुम्हें अगर जैसा लगता है, क्या ही दिक्कत है, हम तो कैप्चर कर लेंगे जो भी आएगा सामने। ये लोग यहाँ बैठ गए हैं, शायद ट्रेन में बैठने की जगह रहती, खड़े 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 जाना पड़ेगा अभी। देखो अगले ट्रेन में पता चल जाएगा भीड़ के कारण। ठीक है, तो ये भाई का एक्सपीरियंस है कि देख लो ट्रेन में पता चल जाएगा अभी। हेलो यार, इसमें तो ज़्यादा भीड़ है नहीं, ये वाली जो ट्रेन आई है ना इसमें तो ज़्यादा भीड़ है नहीं, है ना, खाली है ना, भीड़ वाली शायद इवनिंग में देखने को मिलेगी। ये लोकल अभी दोपहर में ये ट्रेनें खाली चलती है, देखो नहीं बैठना नहीं है, वो प्लेटफॉर्म पे चलना। ये अभी खाली है ना, लोकल चल रही है। आ जाओ, स्टेशन चेंज हो गई है हमारी, ट्रेन जो है किसी और प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ये आ गई है हमारी ट्रेन, अब इसी से जाएंगे हम। भाई ये तो फुल लग रही है, सारी खाली दिख रही थी, लेकिन नहीं इधर ही। चलो बैठो, चलो। क्या भरी हुई है ये भाई, मुंबई लोकल। ये कैसी ट्रेन है जो कभी फुल नहीं होती है, यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो अंदर आते जाते हैं। क्यों भाई, ये है लाइफ लाइन ऑफ मुंबई, ये है खाली ट्रेन। भाई साहब की माने तो अभी हम खाली ट्रेन में बैठे हुए हैं। खाली नहीं देखे समझ लो, भीड़ तो अभी आने वाली है। ये देखो खाली ट्रेन है पूरी, कुछ भी नहीं देख रहा मेरे को तो यहाँ। मेट्रो का लाइन बन रहा है, मेट्रो ट्रैक है यार, बढ़िया। दिल्ली मेट्रो की तरह रहेगी या फिर उसकी तरह, मतलब और आसानी हो गई है ना। अगला स्टेशन दहीसर है, हलसियारी है चाइनीज की। तो कौन है, हलसी। अच्छा, फाइनली अंधेरी आ चुके हैं हम। This is Andheri railway station. अब यहाँ पे हम करेंगे चेंज। Please, please, away from side.
बी केयरफुल। ये भैया लाइफ लाइन ऑफ मुंबई, कहीं का खेच नहीं ले फोन जाती हुई ट्रेन से। विले पार्ले, अब यहाँ से आगे कहाँ जाना है वो दोनों फेर बताएंगे हमें। भाई भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है आज, भीड़ तो है ही नहीं यार, मुंबई में लोग ही नहीं रहते, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मुंबई में लोग ही नहीं है, पता है भीड़ ही नहीं है, भीड़ ही नहीं है। ये देख लो भीड़ ही नहीं है, पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है। सब बोल रहा है भीड़ शाम को होती है, तो ये क्या है भाई, ये क्या है, ये लोग बहुत फास्ट चलते हैं दोनों भाई, हम पीछे रह जाते, हम नए नए पहले लोग पीछे रह जाते। तो भाई बिले पार्ले से हमने ऑटो लिया है और जुहू भी के लिए हम जा रहे हैं। ये मिरर में आप देख लीजिए हम तीनों बैठे हुए हैं, और ये हमारी राइड है बिले पार्ले टू मुंबई, बिले पार्ले टू जुहू बीच, है ना जुहू बीच ना? याद आ गया। अब यहाँ मुंबई का ट्रैफिक हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हो, इसके पीछे क्यों लगा के रखी भैया, सभी गाड़ियाँ जा रही है, जान दो भैया चलो वो ऑटो। ये अमाची मुंबई, BMW खड़ी है इस समय हमारे सामने, F5। इधर भी BMW खड़ी हुई है, आगे किया, मतलब पैसों की कमी तो है नहीं लोगों के पास, ऐसे ही दो चार गाड़ियां तो मैं भी खरीदूंगा, हो जाए कुछ हमारा भी देखते हैं। जुहू बीच उतरो, आराम से आंटी, कितने होगा भैया, 40 ये कौन सा बीच है, ये जो भी चाहिए। चलिए, तो सोचा नहीं था समुद्र देखने का मौका मिलेगा और इस प्रकार मुंबई में जुहू बीच पर, सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। यहाँ ये फूड स्टॉल लगे हुए हैं, फाइनली हम आ चुके हैं जुहू बीच पर। ये जुहू चौपाटी है या जुहू बीच, जुहू बीच है ना, देखो भाई जुहू बीच। भाई समय अगर देखें तो देखो 1:45 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी गर्मी तो नहीं लग रही है। भाई मैंने तो सोचा नहीं था कभी समुद्र देखूंगा, वो भी मुंबई के बीच पे जाके देखूंगा। यार क्या ही फीलिंग है होती है बीच की, ये तो यहाँ आके ही पता चलेगा। अरे वाह, इधर ही सारे मतलब बहुत सेलिब्रिटीज के घर होंगे शायद, वो वाले एरिया में। हाँ बहुत तो सही है, तुम तो ये बताओ सेलिब्रिटीज के घर ये वाले एरिया में होंगे कि इधर, अच्छा इधर नहीं आते, अक्षय कुमार कोई बंगला था ना ये साइड में, इस साइड में इधर भी है ना, इधर पड़ता है। अरे थैंक यू भाई, जाके फोटो खिंचवा के आएंगे, उसने भी फोटो खिंचवाई थी राजेश खन्ना के बंगले के पीछे, उसकी लड़की शादी करी थी उसने अक्षय कुमार की, नहीं है। अरे भाई कहाँ चले गए थे, चालू है ब्रो? अरे बिल्कुल चालू है, खिलाओ भाई, जो भी यहाँ पर घूमने आएगा। थैंक यू, बिस्किट वगैरह भाई साथ में लेके आना, 10 रुपए का बिस्किट 20 रुपए में मिल रहा है भाई। अच्छा प्लीज भाई अपने साथ बिस्किट चिप्स वगैरह लेके आना भाई, भाई दुख दर्द पीड़ा सब एक साथ है भैया। 10 रुपए का बिस्किट 20 में खा रहे हैं, तो भाई की दुख दर्द पीड़ा इनके चेहरे पे आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं यार, चालू कर दिया। चालू हो गया है,
पूरी फुल भाई एंजॉय कर रहा है जू बीच का। भाई प्लेन जा रहा हो, भाई प्लेन जा रहा हो, भाई इतने पास से प्लेन जा रहा यार। ये मुंबई के लोग देखो कितने प्यारे हैं, खाना खिला खिला दे रहे हैं। ये भाई देखो बोट के लिए मतलब खुद ही आ गए, मतलब हमें कुछ एफर्ट ही नहीं डालना पड़ रहा है। वेल अभी तो कोई भी रेडी नहीं है खाने के लिए। भाई एक घंटे हो गए हमें समुद्र के किनारे पे आए हुए। भाई ने देखो यहाँ कुछ क्रिएटिव करा है, क्या बनाना क्या चाह रहे हो? ये वीडियो फूड चल रहा है इनका। इधर आंटी समुद्र के आनंद ले रही है और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और अब से कुछ देर बाद हमारा नहाने का प्लान है, तो नहाते हैं ये भाई और मैं दोनों नहाएंगे। यहाँ प्लेन देखो कितने नीचे जा रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब बहुत ही पास है यार। वन बाय वन करके फूट हो रहा है सबका, देख सकते हो। ये देखो ये ये इनका फोटो शूट है। ओ वाओ ऑसम। ये हमारे कैमरामैन, ये इनके पोज देखो ऑसम है। स्टॉप कर दो। अब देख सकते हो बीच के किनारे किनारे शूट कर रहे हैं। सो वेरी ऑसम इनका शूट चल रहा है, कितना प्यारा चल रहा है। उसको छोड़ो, इसको छोड़ो भाई। नहीं हुई, नहीं हुई, अभी हो गई। ये करवा रहे हैं अपनी फोटो शूट। या समुद्र के मजे लेने की बात ही अलग है यार। देखो कभी दे ऑल पीपल हेयर इंजॉइंग व्हाट दे वांट। ये फोटोग्राफर हमारा परफेक्ट। हे ओ भाई जुहू बीच क्या तो लहरें आ रही है, वो वाली आएगी मेरे साथ। ये आ गई।
अरे ये तो चार्टर्ड प्लेन जा रहा है। कुछ भी हो भाई, अपन ने फेलिब्रिटी को भले नहीं देखा, फेलिब्रिटी देखने आया था अपने लिए, ये आए हुए हैं देख ले हम। लुक एट हर स्माइल। ये एक लागी फोटो खींच दियो। भाई जुहू बीच पे पोपट हो गया, ये देखिए कांच गड़ गया। तो आप में से जो भी जुहू बीच पे आए तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर नुकीली चीज़ें बहुत सारी होती है अलग अलग प्रकार की, तो नुकसान पहुँचा सकती है। हम यहाँ नहाने का सोच रहे थे लिटरली, लेकिन अभी थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है, अब देखते हैं अगर साथ वाले बोलते हैं तो नहाएंगे, अदरवाइज देखने में भी काफी मजा आ रहा है यहाँ। जमीन से सोना निकल रहा है, देखते जाइए थोड़ा अभी कितना अंदर गड्ढा खोलेंगे फिर सोना निकलेगा। देखो मेरे सेलिब्रिटी मिल रहा है, वो आ नहीं सकते यहाँ तो हेलीकॉप्टर से हाय कर। जुहू बीच से प्लेन जाता हुआ यहाँ पे, यहाँ से हर 5-10 मिनट में एक प्लेन निकल रहा है और थोड़ी थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू है। इधर से आवाज आ रही है कहीं से, वो आ रहा हेलीकॉप्टर। सही लगता है यार, गजब ही है ना, बहुत सही लग रहा ना आंटी। ठीक है आप जाना अभी तो भाई, इसको ही देखते हैं। अरे भाई चल वापस चल, ये लोग निकल गए चल चले। अरे भाई लोगों फोना मिल गया क्या? फोना मिल गया। अरे भाई कितने अंदर है? बहुत अंदर है, देखता हूँ अभी। ओ भगवान, मेरे को लगता है ये लोग फोना लेकर ही आएंगे यहाँ पे आज। धमाल धमाल मूवी, धमाल मूवी रिटर्न मुंबई स्टाइल में। ये एक और प्लेन निकला भाई, ये चीजें काफी एक्साइट करती है। ये फोना मिल गया, कितने फोना चाहिए तुम्हें? बोलो दस। 10 किलो भाई यार, 10 किलो फोना चाहिए। अरे ये मिल गया इसको। जो वे टाटा, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।